हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिवजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं आपको रिवीजन वर्क के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित एवं वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप इस निबंध की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, तो आप सभी अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत गद्यखंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक नामक निबंध निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, ये राष्ट्र का स्वरूप जो शीर्षक है, ये निबंध विधा में लिखा गया है। किस विधा में है? निबंध। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आपको पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। आज हम केवल रिवीजन वर्क के अंतर्गत इस पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम इस पाठ के विषय में जान लेते हैं। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र किससे लिया गया? यह निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित रचना पृथ्वी पुत्र नाम निबंध संग्रह से लिया गया। ये क्या है? निबंध संग्रह। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो पृथ्वी पुत्र। इस निबंध में लेखक ने तीन तत्वों पृथ्वी, जन और संस्कृत पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं तीन तत्वों से निर्मित होता है। प्रस्तुत लेख में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी का के पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान है। संस्कृत के विषय में भी लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है, अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। इस निबंध संग्रह के अंतर्गत या इस निबंध के अंतर्गत वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए तीन तत्व आवश्यक माने हैं। सबसे पहला है भूमि, दूसरा है जन और तीसरा है संस्कृति। इस पाठ के अंतर्गत क्रमशः उन्होंने राष्ट्र के स्वरूप के इन तीनों अंगों का क्रम से क्या किया है? वर्णन किया है। तो बच्चों, ये जो निबंध आप पढ़ रहे हैं, ये परिमार्जित परिनिष्ठित खड़ी बोली में पढ़ रहे हैं। यानी इसकी भाषा क्या है? परिमार्जित परिनिष्ठित खड़ी बोली। शैली जो है वो विवेचनात्मक शैली है। कौन सी शैली है? विवेचनात्मक। कहीं कहीं पर व्याख्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, चलते हैं पाठ की तरफ। पहला अंक क्या दिया हुआ है आपकी पुस्तक में? भूमि, भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति। इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। लेखक कहता है कि भूमि, भूमि पर बसने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति, इन तीनों का मिला जुला रूप जो होता है, वह राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण करता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। जैसे कि हिंदू धर्मानुसार मान्यता है कि भूमि किसके द्वारा निर्मित की गई है? देवताओं के द्वारा। वह अनंत काल से, आज से पृथ्वी नहीं, अनंत काल से ना जाने कितने समय से पृथ्वी विद्यमान है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। पृथ्वी का भौतिक स्वरूप, भौतिक मतलब जो दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का जो रूप है, उसकी समृद्धि है, उसका सौंदर्य है, उन सब के प्रति जागरूक होना, उन सब के प्रति सचेत होना, यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पृथ्वी के इस स्वरूप के प्रति हम जितने ज्यादा जागरूक होंगे, हमारे मन में राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही प्रबल होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है।
पहन होती है। उन समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देने वाली क्या है? यह पृथ्वी ही है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। निर्मूल का मतलब निराधार है। जो राष्ट्रीयता किसके साथ जुड़ी नहीं होती, पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती, वह निराधार होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। जितनी गहराई से राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जुड़ी होंगी, गहराई तक गई होंगी, हमारे अंदर राष्ट्रीय भावों का अंकुर उतना ही पल्लवित और पुष्पित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म। इसलिए भौतिक पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है उसका आद्योपांत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचानना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म मतलब कर्तव्य, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का अभिप्राय बच्चों कर्तव्य से ही लेना चाहिए। अगर हम संकीर्ण दृष्टि से देखें तो धर्म को हम जाति इत्यादि से जोड़ते हैं, परंतु वास्तव में विस्तृत दृष्टिकोण में धर्म का जो अर्थ होता है वो होता है कर्तव्य, कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। जो पृथ्वी के प्रति हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य की पूर्ति हम केवल एक या दो रास्तों से नहीं कर सकते बल्कि सैकड़ों तरह से कर सकते हैं। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा जो कोई भी है उन सब के प्रति कुशलता का भाव रखना यह हमारा परम कर्तव्य है। पृथ्वी का सांगोपांग का मतलब संपूर्ण अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। बच्चों हम मिट्टी से जितना ज्यादा जुड़ते हैं पृथ्वी से उतना ही हमारा लगाव जो होता है वो मजबूत होता चला जाता है। पृथ्वी के प्रति हम अपने कर्तव्यों को सैकड़ों तरीके से पूर्ण कर सकते हैं और यही कारण है कि चाहे गांव हो चाहे नगर हो इनमें ऐसे सैकड़ों केंद्र बने हुए हैं जो पृथ्वी से संबंधित अध्ययन का सूत्रपात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले वे जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। यानी पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले बादल जो कि प्रत्येक वर्ष समय पर आकर अपने जल से अमृत जल से पृथ्वी को पल्लवित और पुष्पित करते हैं वह भी हमारे अध्ययन के अंतर्गत होनी चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। हमारा यह भी कर्तव्य है कि केवल हम पृथ्वी को सिंचित करने वाले मेघों के बारे में ही नहीं जाने परंतु उन मेघों के जल से परिवर्तित माने बढ़ती हुई लताओं और तिनकों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करें। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में कोख का शब्दार्थ होता है जो गर्भ या भीतरी हिस्सा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हम जितने भी पदार्थ ग्रहण करते हैं चाहे सोना हो चाहे चांदी हो वो सभी पृथ्वी की कोख से ही प्राप्त कर रहे हैं। आज जितनी भी संपन्नता या समृद्धि हम प्राप्त कर चुके हैं वो संपन्नता और समृद्धि हमने पृथ्वी से ही प्राप्त की। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती। पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती? क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अनेक अमूल्य निधियां छिपी हुई हैं।
उससे कौन परिचित होना ना परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण है। ये तो बात आप जानते ही कि ना जाने कितने वर्षों से ये जो कौन सी धातुएं चाहे लोहा सोना चांदी जितनी भी धातुएं हैं वो लाखों करोड़ों वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में पोषित हो रही है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनेक प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ, न जाने कितनी नदियां जो सतत बहती हैं और अपने साथ पहाड़ों को पीस पीस कर जो है अपने प्रवाह के साथ बहा लाती हैं और इस पृथ्वी का निर्माण करती हैं। हमारे भाविक आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से समारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। बच्चों बहुत से रत्न आभूषण जो होते हैं वो पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं और जब वो कुशल शिल्पियों के हाथों में पड़ते हैं और वह उन्हें निखारते हैं तराशते हैं तो वह मूल्यवान बन जाते हैं। नाना भांत के अनगढ़ नव विंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। ना जाने कितने अनगढ़े हुए रत्न विंद की नदियों में के प्रवाह में बहते चले आते हैं और जब उनमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहाड़दार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती। उन नवों को रत्नों जब कुशल कारीगर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहलदार कटाव पर लाते हैं तो उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। बच्चों कभी आपने हीरा देखा है, हीरा जो होता है कोयले की खान में पाया जाता है, पत्थर होता है, परंतु जो जानकार होते हैं वह उसे प्राप्त कर लेते हैं और कुशल शिल्पी या कुशल कारीगर जब उसे पहरेदार कटाव पर तराशते तो उस हीरे का मूल्य जो होता है वो मूल्य हो जाता है, वे अनमोल हो जाते हैं। वे कैसे हो जाते हैं, अनमोल अमूल्य हो जाते हैं। देश की नर नारियों के रूपमंडन में रूपमंडन माने होता है सौंदर्य को बढ़ाने में और सौंदर्य प्रसाधन में ही छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भार रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक। हम जितना भी रूप सौंदर्य करते हैं उन रूप सौंदर्य के प्रसाधनों में इन पत्थरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल का होता है बीच में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। लेखक का यह मानना है कि इन सब के प्रति चेतना और स्वागत का भाव जब तक राष्ट्र में नहीं फैलेगा हमारे राष्ट्र के नागरिक जो है वो सोए हुए के समान है। विज्ञान और उद्यम, विज्ञान और परिश्रम, विज्ञान के द्वारा जो सोचा जाता है जो कल्पना की जाती है उसे साकार करने का प्रयास किया जाता है और वह कार्य होता है परिश्रम मतलब उद्यम मतलब परिश्रम के द्वारा। तो विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र के जितने हाथ हैं उनमें से कोई इस कार्य में भाग लिए बिना रहता ना रहे। हमारा क्या कार्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र के जितने भी नागरिक हैं वह सभी राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। कोई भी जो है इस विकास के योगदान से अलग न रहे, तभी राष्ट्र तभी मातृभूमि की पुष्कर, पुष्कर का मतलब होता है संपूर्ण। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारी पृथ्वी की हमारी मातृभूमि की संपूर्ण समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकेगा। जब हम ऐसा कार्य करते हैं तभी हम
मातृभूमि को संपूर्ण समृद्धि और उसका संपूर्ण रूप मंडल उसे दिला सकते हैं। बच्चों यह तो मैंने आपको राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत पहला भाग पढ़ाया। पहला भाग क्या था, शीर्षक क्या था, भूमि। इस अंश के अंतर्गत लेखक ने भूमि के बारे में क्या की है, चर्चा की है। बच्चों भाषा कौन सी पढ़ रहे हो, परिमार्जित, परिनिष्ठित, खड़ी बोली। शैली कौन सी है, विवेचनात्मक शैली। अब बच्चों आप अपनी पुस्तक के 61 पेज नंबर पर आइए, देखिए दिया है व्याख्या संबंधी एवं गद्यांश पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्देश दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए गद्यांश है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियां भरी हुई हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन वंचित ना होना चाहे। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नगविंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे अनमोल हो जाते हैं। देश की नर नारियों के रूपमंडन और सौंदर्य प्रसारण में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतः हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। बच्चों इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश दिया गया है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इंसान की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहल तार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। इस अंश की बच्चों आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। गद्यांश पर आधारित तीसरा प्रश्न है बच्चों, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है। तो अभी व्याख्या के दौरान मैंने बार बार इसके उत्तर पर महत्व दिया है। बच्चों इस गद्यांश पर आधारित अंतिम और पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी को धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। प्रश्न पुनः सुनिए, धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो बच्चों आज इस पाठ के अंतर्गत जितना अंश मैंने आपको पढ़ाया है मुझे आशा है कि वह आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों इस टॉपिक के शेष अंश को मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी।